नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर्स सीरीज में आपका स्वागत है। मैं उन्नीस सौ जारी नजर डालता हूँ आज की कुछ खास खबरों पर। पंचकुला सेक्टर 16 राजीव कॉलोनी की घटना का मामला सामने आया, जहां पुलिस को महिला को थप्पड़ मारना पड़ा। पुलिस वाले की आम पब्लिक ने की पिटाई, यह वीडियो वायरल हुई। वही पुलिस वाले को सेक्टर 6 हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। दरअसल रविवार देर शाम सेक्टर 16 पुलिस को राजीव कॉलोनी स्थित एक दुकान में चोरी होने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस की ही पिटाई कर दी। आज फिर जब ये कॉलोनी वासी चौकी के घेराव के लिए पहुँचे तो पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन कुछ महिलाएं बेकाबू हो गई, जिसके बाद ड्यूटी पर मौजूद पुलिस ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद भीड़ भड़क गई और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मी की पिटाई कर दी। बलदेव, एक मामला आ रहा है कि एक पुलिस मुलाजिम को कुछ लोग मारते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो वायरल हुई है, और पुलिस मुलाजिम भी कहीं ना कहीं एक महिला को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। कल सूचना मिली थी मुझे टेलीफोन के द्वारा, इंदिरा कॉलोनी में एक कबाड़ी की दुकान है, उसमें जो है कुछ लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं। तो मौके पर राइडर गई, तो राइडर जिस आदमी के साथ वो मारपीट कर रहे थे उसको चोट मार दी थी, उसने बताया। पंचकुला से साहिल गिरधर की एक रिपोर्ट।